हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं जो बहुत ही लाइट बनेगा और इसको खाके आपका पेट भी भरेगा और हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी है। तो इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिए हैं ये पफ राइस, इसको पफ राइस भी बोलते हैं, मुरमुरे भी बोलते हैं, लैया भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। और ये जैसे हम पोहा बनाते हैं, पोहा अलग चीज़ होती है और ये पोहा भी राइस से बनता है और ये भी राइस से ही बनता है, यानी चावल से ही बनता है। लेकिन पोहे में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें बिल्कुल नाम मात्र की स्टार्च की मात्रा होती है, तो ये और ज़्यादा पोहे से भी ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो हम आज इसी का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे 2 कप पफ राइस, और इसके साथ मैंने ली है ये 2 प्याज बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़े से पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसालों में हम यहाँ ले रहे हैं 1/4 टीस्पून साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून जीरा और 1 से 2 पिंच हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और ऑयल में हम यहाँ ले रहे हैं कोकोनट ऑयल, इसे और हेल्दी बनाने के लिए आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये जो पफ राइस हैं इन्हें हमने एक छलनी में कर लिया है और इन्हें हमें गीला करना है थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम पानी छिड़क के इसमें थोड़ा थोड़ा इसे गीला करेंगे, यानी इस तरीके से, और इसको मिक्स कर देंगे। और जितना पानी है इसमें, ये एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो नीचे निकल जाएगा इसमें से। और बस इस तरीके से करके हमें रख देना है इनको। अब हमने ये कढ़ाई रख दी है और गैस हमने ऑन कर दी है और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे गैस को हम, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे जीरा, सौंफ, धनिया और ये मस्टर्ड सीड्स, और ये डालेंगे हम हींग। अब गैस को हम स्लो कर देंगे, अदरक डालेंगे और निखारी मिर्च, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और अब हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। और आंच को थोड़ा सा मीडियम पे ले आएंगे। बस इतना सा हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक प्याज को पकाना है। और अब हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च और इसको भी हमें 1 मिनट के लिए ही पकाना है और आंच को मीडियम फ्लेम पर रखना है। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इसको भी हम 1 मिनट के लिए इसमें मिक्स करेंगे। अब ये पफ राइस डाल देते हैं इसमें। और इसके साथ ही हम डाल देंगे नमक हल्दी
और काली मिर्च, बहुत सारी सब्जियां डाली है। बहुत हेल्दी है ये नाश्ता और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसके अलावा और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, बीन्स, इस तरीके की आप और सब्जियां भी इसमें डाल सकते हैं। और जो आपको इसमें पसंद नहीं है उस सब्जी को आप स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए, सिर्फ हमें इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है और कलरफुल नाश्ता बनाइए। इतनी सारी हमने सब्जियां डाली हैं, गैस को बंद कर देते हैं और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म बहुत ही हेल्दी नाश्ता ये बनकर तैयार है और इसको गार्निश करेंगे हम पुदीने की पत्तियों से। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है और आप चाहें तो धनिया की पत्ती से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। और ये देख के तो मुझे बहुत ही तेज भूख लग रही है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आप भी जल्दी जल्दी जाइए अपने किचन में और इसे बनाइए और अपने परिवार के साथ इसे इंजॉय कीजिए। बहुत ही हेल्दी डिश है ये। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।